नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज के दिन दो मामले बेहद महत्वपूर्ण रहे। पहला, काशी में ज्ञानवापी पर वहां के कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और वाराणसी के जिला जज ने कार्बन डेटिंग समेत हिंदू पक्ष की सारी मांगों को खारिज कर दिया। शिवलिंग की जो कार्बन डेटिंग की बात कर रहे थे और इस आधार पर हिंदू पक्ष ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि ये प्राचीन ही शिवलिंग है जो आकृति ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिली है, वो शिवलिंग ही है, ये सिद्ध करने के लिए कोर्ट से कार्बन डेटिंग और अन्य प्रकार की जांचें परीक्षण की मांग की गई थी। इस मांग को खारिज कर दिया, जिससे इस एक पक्ष थोड़ा सा निराश हुआ है, वो हिंदू पक्ष है। वहीं दूसरा पक्ष थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, वो मुस्लिम पक्ष है, वो भी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, तो एक पक्ष में खुशी तो दूसरे पक्ष में निराशा है। खुशी नहीं बल्कि राहत कह सकते हैं उसे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि आज चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश से के जो इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव हैं, उनको घोषित कर दिया है, चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कल से ये खबरें थी मीडिया के हलके में कि हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन साथ ही में घोषित किए जाएंगे, लेकिन काफ़ी प्रतीक्षा के बाद भी आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन की घोषणा की। इससे पहले सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों प्रदेशों की तारीखों का ऐलान होगा। बात हिमाचल की करें तो आज वहां प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला जो वहां के प्रभारी हैं, उनके साथ चुनावी मैदान में कूद गई और उन्होंने एक रैली से चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी। अब हिमाचल के चुनावों की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ही होंगी। इसे कांग्रेस की तरफ से नहले पे दैला बोला जा रहा है। पहले राहुल गांधी को फ्रेम करके ये रणनीति बनाई गई थी, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, वो कतई चुनाव प्रचार में आने के इच्छुक दिख नहीं रहे हैं, इसलिए प्रियंका गांधी अब हिमाचल की कमान संभालेंगी। दोनों बेहद महत्वपूर्ण मसले हैं, मंथन आज इन्हीं दो बिंदुओं पर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने नहले पर दहला चला है, ऐसा कहा जा रहा है। भाजपा इस प्रयास में लगी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव एवं उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों की भांति हिमाचल प्रदेश में वो मिथक तोड़ा जाए, जो जैसे उत्तराखंड में उसने मिथक तोड़ा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। और उस मिथक तोड़ने के लिए जो चुनाव की रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की थी, वो मोदी बनाम राहुल की थी। इस प्लान को भाजपा अपने लिए फायदेमंद मानकर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने भाजपा के इस प्लान को एक तरीके से धता बता दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है और इसलिए उनका चुनाव में समय निकालना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका इस पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। भाजपा की तरफ से ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में राहुल बनाम मोदी फैक्टर को मानकर एक ऐसा ताना बाना बुना जाए जिससे वो कांग्रेस को आसानी से धराशायी किया जा सके। हालांकि इसका नफा नुकसान कांग्रेस को मालूम था, इसलिए राहुल गांधी को इस चुनाव से दूर रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये तय था कि राहुल गांधी अगर इस चुनाव में उतरेंगे तो भाजपा उन पर चौतरफा हमले कर सकती है। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा को उन पर राजनीतिक टिप्पणी एवं बयानबाजी करने का उतना मौका नहीं मिलेगा, और अगर कोई नेता टिप्पणी करता है तो इसका खामियाजा भी पार्टी और उस नेता को भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को यहां
सत्ता मिली थी और 44 सीटों पर जीत दर्ज करके पार्टी सत्ता में आई थी। 3 अन्य सीटें जो हैं वो अन्य को गई थी, यानी जो निर्दलीय और अन्य प्रकार के जो छोटे दल हैं। भाजपा का वोट प्रतिशत भयंकर रूप से 48.79% था और कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बहुत कम नहीं था, 41.68% रहा था। तो बहुत ऐसा नहीं, वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस बहुत भयंकर नुकसान में नहीं दिखी थी, जबकि सीटें लगभग आधी थी कांग्रेस की। पार्टी नेताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगी तो इसका फायदा होगा। इस कड़ी में जैसा आपने बताया कि रैली की शुरुआत की और बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी शैलेंद्र कह रहे थे कि चूंकि पहाड़ों में महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि सारी कमान महिलाओं के हाथ में होती, इसलिए प्रियंका गांधी को जो कांग्रेस ने मैदान में उतारा है इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। आज पहली रैली सोलन में थी प्रियंका गांधी की, चुनावी रैली। इसमें कई सारे चुनावी वादे भी कर डाले उन्होंने और एक लंबी फेरिस्त। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहली कलम से 1,00,000 नौकरियां, पहली कलम से जो मुख्यमंत्री बैठेगा वो पहला फैसला पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियों की बात करेगा। ये बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने चला, 10 बिंदुओं को गिनाया कि सरकार बनते ही ये इन बिंदुओं पर जो नई सरकार होगी यानी कांग्रेस की सरकार होगी, अगर जनता मौका देती है तो फायदा वो इस तरीके का जनता को फायदा पहुंचाएगी। तो प्रियंका गांधी ने क्या वादे किए और क्या उनके तेवर हैं, क्या उनके कलेवर हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये हम आपको सुनाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको पहले सुना देते हैं। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला 1,00,000 जो सरकारी नौकरियां है, जो पद है वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5,00,000 रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1,00,000 रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज, ये जो OPS है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने आएंगे और आपको वापिस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2,00,000 कर्मचारी है उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. तो आयोग की घोषणा और प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, मंथन में मेहमानों का परिचय करा देते। ये पहला खंड है जिसमें हम गुजरात और हिमाचल के चुनावों को लेकर हम मंथन कर रहे हैं और दूसरे खंड में हम ज्ञानवापी पर आएंगे। तो ब्रेक से पहले केवल चुनाव की बात, मेहमानों का परिचय करा देते हैं। देश के जाने माने शिक्षाविद, बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ सीधे गुजरात से जुड़ गए हैं। डॉक्टर दीक्षित, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। डॉक्टर दीक्षित इन दिनों गुजरात की यात्रा पर हैं और कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं वहां। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई समीकरण, कोई गुणा गणित तलाशने गए हैं और वो जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो हम लोगों के दर्शकों को परोस देते हैं। इसलिए दीक्षित जी का एक बार पुनः आभार। हिमाचल से हमारे संवाददाता दौलत चौहान जुड़े हैं। दौलत, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर साहब लखनऊ से जुड़े हैं। सभी हैदर जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और तनवीर साहब जुड़ गए हैं गुजरात से, वरिष्ठ पत्रकार हैं तनवीर साहब और काफी अरसे से चीजों को समझते हैं, करते हैं। तनवीर शेख साहब का बहुत स्वागत। और विनोद गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल,
तीनों राज्यों को विनोद गुप्ता जी देखते हैं। विनोद जी बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं हिमाचल के मुतल्लिक कर रहा हूं दौलत चौहान से। दौलत, क्या स्थितियां हैं इस पहाड़ी राज्य में? आज कांग्रेस ने एक तरीके से औपचारिक चुनावी संकनात कर दिया, प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई पहली कैबिनेट की बैठक में ढेर सारे रोजगार दे देंगे, हम 1,00,000 रोजगार पहली कैबिनेट की बैठक में दे देंगे और वन टाइम पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ओपीएस उसको लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि ये दो निर्णय होंगे, 1,00,000 नौकरियां और ओपीएस। ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं, गेम चेंजर हो सकती हैं कांग्रेस के लिए। दौलत जी, मैं आपको बता दूं कि जो आने वाले चुनाव है उसके लिए दोनों पार्टियां जो हैं वो सिर धड़ का जोर लगाएंगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा और जो ये दो मुद्दे जिन पर ये काम कर रही है, एक नौकरियों के 1,00,000 की जो घोषणा की है और दूसरी जो ओपीएस की जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने जो एक रखी है, जो घोषणा की है, ये इन चुनावों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को जो स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है, ये एक बहुत अच्छा फैसला है और इसका जो है इस चुनाव पर जो है काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरी तरफ जो भाजपा है वो भी मिशन रिपीट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि हमने विकास करवाया है और विकास के बलबूते पर जो है हम दोबारा सरकार रिपीट। दौलत, पिछला चुनाव अगर देखें तो भाजपा और कांग्रेस में वोटों के प्रतिशत में कोई बहुत भारी अंतर नहीं था, 48.6% भारतीय जनता पार्टी और 41.6% कांग्रेस, हालांकि सीटें लगभग आधी थी कांग्रेस की। तो ये भी कहीं कहीं ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस का वोट बैंक लूट गया हो, ऐसा इस राज्य में हमें दिखा नहीं। जमीनी मुद्दे क्या हैं जिनको कांग्रेस एड्रेस करने जा रही? दौलत चौहान। बिल्कुल सर, ये मैं बताना चाहूंगा कि एक जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का ये जो मुद्दा है ये बहुत ही दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर हिमाचल में, तो ये मुद्दा तो रहेगा। दूसरा, बेरोजगारी, जो रोजगार जो पूर्व की जो सरकार थी वो रोजगार नहीं दे पाई है हिमाचल में, या नौकरियां कम निकाल पाई, जितना उन्होंने वायदा किया था उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाई है। तो ये मुद्दा जो है ये भी इस आने वाले चुनावों में बहुत ही प्रमुखता से उठेगा। तो कांग्रेस ने ये दोनों मुद्दे जो उठाए हैं, एक तो युवाओं को रोजगार देने का जो मुद्दा उठाया है, दूसरा जो ओल्ड पेंशन स्कीम का ये मुद्दा उठाया है, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इस चुनावों में ये काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। ठीक बात है। विनोद गुप्ता जी, आप समग्र रूप से हिमाचल के चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और वहां भारतीय जनता पार्टी, अनुराग ठाकुर जी जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं और पूरे लोग सक्रिय हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह जैसा सूरमा खो दिया है, क्या उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है या वीरभद्र के परिवार को अभी भी वही समर्थन मिल रहा है? कांग्रेस के दृष्टिकोण से और भाजपा के लिए कितनी मुश्किल रहा है या कितनी आसान है, या सरकार रिपीट करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, जरा इसका विश्लेषण करिए। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के अंदर, उसके लिए एक नाक का सवाल रहेगा। गुजरात में जहां 25 साल उसको हो चुके हैं, वहीं 10 साल दोबारा हिमाचल के अंदर बीजेपी को हो चुके हैं, तो उसका सवाल रहेगा कि वो रिपीट करे और अपने आप को रिप्रेजेंट करे दोबारा से जनता के बीच आते। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा वीरभद्र को खो दिया है, उसकी जगह उनकी प्रतिभा पाटिल जी आए हैं, प्रतिभा सिंह जी आए हैं, प्रतिभा सिंह जी की जगह साथ साथ अगर एक चेहरे की बात करें कांग्रेस के अंदर, मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें, पहले वीरभद्र का ऐसा चेहरा वो करते जिसके नाम पर वोट मिलती थी, बट वो खो चुके हैं कांग्रेस के, उनका निधन हो चुका है, तो उनकी जगह प्रतिभा सिंह है और बात और भी ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में रहेंगे कांग्रेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जिस तरह से आज प्रियंका गांधी ने एंट्री करी है सोलन के अंदर, बिगुल फूका है चुनाव का, उसी दौर पर उससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक के कह लीजिए, प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाल चुके हैं हिमाचल के अंदर, चंबा, ऊना, चाहे हर जगह शुरू से ही वो डेरा डाल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक ऐसा समन्वय रहेगा, टक्कर की जरूर आपस में टक्कर दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव से 2017 में बीजेपी लाई और 21 सीटें कांग्रेस लाई थी, तो इस बार दोनों पार्टी अपने आप को
यह जताना कोशिश करेंगे कि हिमाचल में राज कांग्रेस का होगा, परंतु उसी के बीच एक पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री करी है, क्योंकि हिमाचल से लगते पंजाब प्रदेश में 99 सीटें लाना, इतिहास बनाना, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हिमाचल में पड़ेगा और हिमाचल में आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को एक अलग से दर्शाने की कोशिश कर रही है और यही कारण था कि हिमाचल पंजाब के मुख्यमंत्री और सुप्रीमो आपके अरविंद केजरीवाल ने गारंटी योजनाओं की जो भरमार है वो हिमाचल वासियों को दी है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मामला है जो चुनाव रहेगा त्रिकोणीय रहेगा और सबसे बड़ी बात बीजेपी को अपना गढ़ भी बचाना, हिमाचल गढ़ बचाना, तो तीसरी बार वापस रिपीट करना शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। सभी हदर जी के पास चलते हैं। सभी भाई, क्या इस पूरे जो राजनीतिक सिनेरियो है, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार दिया है और कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर है, क्या किस रूप में ये देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं वहां बन रही हैं या जो पहले जैसे नतीजे आते रहे वही रहेंगे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर? और सबसे बड़ी बात, जो घोषणाएं आज प्रियंका गांधी ने कर दी, 10 और घोषणाएं की लेकिन दो प्रमुख घोषणाएं पहले कैबिनेट को लेकर की, तो क्या जैसे बीजेपी तो एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से कह चुकी भाई ओल्ड पेंशन स्कीम वो बहाल नहीं करेगी, उन्होंने कई राज्यों में नहीं किया और यहां तक कि स्टेट बैंक ने यहां तक कह दिया कि भाई उन्होंने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग क्योंकि इससे तो लूट जाएगा देसी, अगर इस तरह चीजें हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की थी, तो इन सब चीजों का क्या बहुत असर पड़ने जा रहा है चुनाव में? सभी कहीं जो एक सुगबुगाहट होती है, एक माहौल बनना जो होता है वो इस तरीके की योजनाओं से होता है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल में रैली करने में, वहां एक्टिव होने में थोड़ी सी देर कर दी है। प्रियंका गांधी या कांग्रेस की अगर रणनीति है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए पुराने वोटरों को जो है वो साधने की कोशिश कर रही है, वहीं जो रोजगार का एक उसने शिगुफा छोड़ा है उससे नए वोटर्स को प्रभावित कर रही है, जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी देखें तो पूरी तौर पर वो युवाओं को सामने फोकस करती है, जो हिमाचल का जो ट्रेडिशनल वोटर है उसको अपने साथ रखकर जो है वो जीत की बाजी वो हासिल करना चाहती है। अब वहां पर केजरीवाल कितने इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, अगर 3-5% भी केजरीवाल वोट काट ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो राह है वो बिल्ली जैसे नहीं कहते हैं कि सर रास्ता काट गए अब काम नहीं बनेगा, तो अगर केजरीवाल 3-4% जो है काट ले जाते हैं तो वो केजरीवाल कांग्रेस के लिए बिल्ली साबित होंगे और वो कहीं ना कहीं जीत में बाधा बन सकते हैं। ठीक बात है। डॉक्टर दीक्षित के पास चलते हैं। डॉक्टर दीक्षित, एक छोटा सा 20 सेकंड का कमेंट हिमाचल पर, फिर गुजरात पर आते हैं, तनवीर शेख भी हमारे साथ में है, कि भाई केजरीवाल को आप कहां देखते हैं वहां पर? देखिए गुजरात में भी और हिमाचल में भी केजरीवाल की एंट्री बहुत ही एक इंटरेस्टिंग समय पर हो रही है और केजरीवाल कुल मिलाकर कांग्रेस का बहुत भयंकर नुकसान कर रहे हैं जी, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले रखा है, वो है कि प्रचंड रूप से वो भाजपा का विरोध करते हैं, किसी भी स्तर तक उतरकर या कहिए किस स्तर से नीचे जाकर भी प्रचंड रूप से भाजपा विरोध में वो जुटे हैं और वो स्पेस जो भाजपा की खिलाफत की होनी चाहिए वो स्पेस को धीरे धीरे गैदर करते जा रहे हैं, नुकसान कांग्रेस का ज्यादा हो रहा है। हिमाचल और गुजरात दोनों ही ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस प्रमुख पार्टी के रूप में रही है, विपक्ष में रही हो या सत्ता में रही हो, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ही दो प्रमुख पार्टियां इन दोनों राज्यों में रही हैं। इन दोनों राज्यों में ही आम आदमी पार्टी की एंट्री कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कर रही है बनिस्बत भाजपा की, क्योंकि भाजपा उसके सीधे प्रतिरोध के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस चूंकि भाजपा का उस तरह से विरोध नहीं कर पा रही है या ये भाजपा अपने कैडर को उस प्रकार से नहीं उठा पा रही है, इसका नुकसान कांग्रेस को मुझे ज्यादा होते हुए दिख रहा है। डॉक्टर दीक्षित, अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बड़ा गुपचुप तरीके से अभियान चला रही है, ये क्या सिलेक्टिव लीकेज वाला बयान है या वो कुछ कहना चाह रहे हैं? वो बड़ा स्ट्रेटेजिक बयान है क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस कॉन्फ्लिक्ट में है आम आदमी पार्टी के और मुखर होके सामने नहीं आ पा रही है, कैडर की समस्या है उनके पास लीडरशिप की समस्या गुजरात में भी हो गई है, तो उसके वजह से कांग्रेस उतनी मुखरता से नहीं सामने आई है। हालांकि मैंने जैसे कहा कि जो दो मुद्दे जो शबी हजर साहब ने भी कहे और हमारे आपके दौलत जी ने भी कहे, बेरोजगारी और पेंशन, यानी ये एक हिस्सा जो युवाओं को हिट करता है और एक हिस्सा जो सरकारी नौकरों को हिट करता है, ये दोनों ही मुद्दे प्रमुखता के साथ इस चुनाव में रहेंगे और उसका जो कुछ भी डेंट होगा, जो कुछ भी नुकसान होगा वो भाजपा को होगा।
लेकिन वो भाजपा का नुकसान आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान करके कंपनसेट कर रही है, यही शायद गुपचुप हो रहा है। ये बात तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि वोट काट रहे हैं वो, ये बहुत सारी बातें कहते हैं। आपने भी दबे छुपे शब्दों में क्या सीधे सीधे आपने कह दिया। डॉक्टर दीक्षित, आज बड़ी प्रतीक्षा थी कि गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन घोषणा नहीं हुई। उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी कि भाई अभी फला जी की रैली नहीं हुई है, फला जी की यात्राएं शुरू हुई हैं, फला पार्टी ये कर रही है, तरह तरह की बातें इस तरह को ले रही। गुजरात में कुछ इस तरह की कहीं कोई चीज आपको दिख रही है, या अभी ये क्या मसला है, क्यों अभी आयोग थोड़ा इसमें साथ की बजाय थोड़ा बाद में करने की बात कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? दो कारण हो सकते हैं। आज मैं गुजरात में ही हूँ और राजधानी में ही हूँ। गुजरात में कई सारे बड़े कार्यक्रम लाइंड अप हैं इस महीने, बहुत सारे। एक तो गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी समाप्त नहीं हो रहा है, हिमाचल के बाद समाप्त होना है, इसलिए उनके पास उतनी स्पेस थी कि वो चुनाव बाद में किया जा सकते। दूसरा ये है कि यहाँ पर बहुत सारी बड़े कार्यक्रम लाइंड अप है। डिफेंस एक्सपो हो रहा है, अभी प्रारंभ होने वाला है कुछ ही दिनों में, दो तीन दिनों में, और उसके बाद के भी एक लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पूरे देश भर के लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कई सारे बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। तो जैसा आपने भी हिंट किया कि बड़े कार्यक्रमों का लाभ तो सरकार को ही होता है, और वो सरकार अपनी लाभ की स्थिति से दूर होना नहीं चाहती थी। और दूसरा ये था कि पक्ष में ये बात है कि अभी विधानसभा की का सत्र समाप्त होने में समय है, तो उस समय को लेकर गुजरात के चुनावों को हिमाचल के बाद कराने का निर्णय मुझे लगता है इसी कारण से हुआ है। और गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगी, और परसेप्शन बनेगा अगर वहां कोई ऊंच नीच होती है तो परसेप्शन बनेगा पूरे देश में, परसेप्शन वो नेशनल परसेप्शन बनेगा, क्योंकि पूरे देश में गुजरात मॉडर्न लगा था, नेशनल परसेप्शन बनेगा। तनवीर शेख साहब जुड़े हैं। तनवीर भाई, क्या देखते हैं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों दलों को किस तरह देखते हैं? जी, कांग्रेस को जिस हिसाब से यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे जो मेहनत करनी थी, विरोध पक्ष में रहकर भी जो विरोध करना चाहिए था इन 5 सालों में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आई है। काफी सारे इश्यूज गुजरात में हुए थे इन 5 सालों में, उसको लेकर जो कांग्रेस की नाकामयाबी कहे, उसे फेलियर कहे, या इनकी अंदरूनी जो आपसी मतभेद थे कांग्रेसियों के अंदर, कहीं नेता कभी इधर जा रहा है, कोई उधर पक्ष पलटा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये तमाम जो बॉडी को डैमेज हो रहा था उसमें भी कांग्रेस नाकामयाब रही है। और अल्पसंख्यकों की आवाज़ हो, चाहे माइनॉरिटी दलित, तमाम जो ये समाज सबके लोगों की इनकी आवाज़ों को लेकर भी विरोध जहाँ करना चाहिए था विरोध पक्ष के तौर पर, वहाँ कांग्रेस कमजोर नजर आई, और उसी के चलते और गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध तो है ही, भारतीय जनता पार्टी का कर ही रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी भी पनप रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी डैमेज करने नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक हम ओवैसी की पार्टी की बात करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, तो कांग्रेस को जहाँ मुस्लिम वोटर्स है वहां पर सबसे ज्यादा जो डर है कांग्रेस को आम आदमी से ज्यादा भी AIMIM का भी रहेगा, कि जहां मुस्लिम उनको तो वोट कटवा कहते हैं, उनको तो वोट कटवा कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि भाई आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने घोषित कर दिया उनको। एग्जैक्टली, तो ये अब वो AIMIM वही कहती है कि जब 27 साल से हम यहाँ गुजरात में नहीं थे तब भी तो कांग्रेस नहीं आ रही थी, और अब हमें ये वोट कटवाइए, वो तो ये हम ये चाहते हैं कि नहीं। तनवीर साहब, अगर अगर वो आ भी जाएंगे 2-4, 10-15 विधायक ले आ, तब भी वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो 37 साल तक वो नहीं आ पाएंगे, तो जो अकलियतों की आवाज है वो तो वही की वही रहेगी। तो उनका भाई मुसलमान समझदार, अल्पसंख्यक समझदार है, दलित समझदार है, वो देख रहा है कि भाई AIMIM से होने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोगों के थे कि जहाँ आवाज नहीं उठा पा रही है कांग्रेस, वहाँ हमारे MLA से हमारे कॉरपोरेटर से, अगर हम यहाँ की जो कॉरपोरेशन इलेक्शनों की बात करें तो AIMIM ने लास्ट एक महीने में जो ग्राउंड जीरो पे मेहनत की, और अहमदाबाद में अपने 7 पार्षदों को चुन करके लाए वो लोग, और पूरे गुजरात में उनकी 27 सीटें आई हैं कॉरपोरेशन की AIMIM की, तो उसी के चलते इन्हें विधानसभा को लेकर भी मुस्लिम जो बहुमूल्य मत विस्तार है वहां पर इन्हें काफी कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी जो MLA की संख्या को बढ़ा सकते हैं,
कांग्रेस में जो 13 MLA थे मुस्लिमों के, वहां अब 3 की संख्या रह चुकी है। तो 3 की, अगर 3 का भी कहना है कि अगर MIM अगर हमारे गुजरात में जहां जहां भी वोटर्स को खड़ा करती है, कैंडिडेट खड़े करती है, तो ये जो 3 सीटें हैं मुस्लिमों की आ रही है कांग्रेस की, वो एक, भी एक कट बहुत छोटा जाएगी। सा सवाल तनवीर साहब, बस इसके बाद फिर ब्रेक पर जाएंगे और शुक्रिया करेंगे आपका। एक बहुत छोटा सा सवाल मात्र 20 सेकंड में, कि केजरीवाल को कहां किस रूप में आप देखते हैं? क्या वो सीधे जैसा कि परसेप्शन बन रहा कि मोदी बनाम केजरीवाल, इस तरह की स्थिति वहां दिख रही क्या गुजरात में? जी पूरी तरह से दिख रही है, केजरीवाल बनाम जो मोदी है पूरी तरह से। यहाँ पर वही जो इश्यू, जो दिल्ली के जो भी प्रश्न थे और उन्हीं मुद्दों पर जो इलेक्शन जीता गया था आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, वही उन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर गुजरात में भी वो इलेक्शन जीतने के लिए कोशिशें कर रही है। यहाँ अगर गुजरात के नेताओं की हम बात करें तो जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो इशुदान गढ़ी, उन्हें भी इन्हें यहाँ पर जोड़ दिया गया और सीएम के चेहरे में भी उन्हें देखा जा रहा है। ये तमाम लोग जो मिलकर ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं, तो इस समय अगर गुजरात में कांग्रेस से अच्छी मेहनत अगर जो चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, तो आम आदमी का ही चीज चल रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया तनवीर शेख साहब, विनोद जी बहुत शुक्रिया, दौलत चौहान आपका भी बहुत धन्यवाद, सभी जी और प्रोफेसर साहब बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हो, और जो ब्रेक के बाद मसला ज्ञान वापी का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का फैसला आज वाराणसी कोर्ट ने दे दिया और साफ तौर पर कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि वो कार्बन डेटिंग नहीं करा सकता। यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला था उसकी कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष ने की थी और बाकायदे कोर्ट में उसने अर्जी दाखिल की थी और ये मांग चल रही थी कि कार्बन डेटिंग इसकी कराई जाए। हिंदू पक्ष के वकीलों ने इस बात को बहुत जोरदारी से रखा था और उनका मानना था कि इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये कितने वर्ष पुराना शिवलिंग है, उसी के आधार पर हिंदू पक्ष इस पर दावा कर सकेगा। लेकिन आज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत, ये जिला जज हैं वाराणसी के, इन्होंने खारिज कर दिया इस पूरे मामले को, हिंदू पक्ष की सारी मांगों को खारिज कर दिया। हिंदू पक्षकारों को मायूसी लगी। सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसा एक आकृति मिली थी जिसे शिवलिंग ही कहा गया और इसके बाद यह हुआ था कि इसकी कार्बन डेटिंग करा ली जाए, लेकिन यह मांग आज खारिज हो गई। इस पर जिला जज
काफी दिनों से ये फैसला सुरक्षित था और दो तीन बहस हुई, दो तीन बार इस पर कोर्ट के अंदर चर्चा भी हुई, लेकिन उसके बाद अंततः जिला जज ने इसको खारिज करते हुए ये कह दिया कि वास्तव में अब इसको हम इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि इससे एक बड़े वर्ग की या एक वर्ग की भावनाएं आहत हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला, जिला जज काशी के वाराणसी के जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो विवादित स्थल है या जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है उस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया जाए, उस पूरे इलाके को एक तरीके से घेर दिया जाए और वहां किसी प्रकार की दखलंदाजी, वो चाहे फिजिकल हो या किसी प्रकार की दखलंदाजी, वहां नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कार्बन डेटिंग होती तो वास्तव में वहां जो शिवलिंग का मसला है उससे कहीं ना कहीं कुछ उसको खुरच कर है, किसी तरीके से उसका कुछ सैंपल लेना पड़ता और फिर इससे लोग आहत होते। तो इसको एक तरीके से इस अपने जो आदेश में जिला जज एके विश्वेश ने ये बात लिखी है बाकायदे। दरअसल इंसानों की उम्र उसके जन्म वर्ष के आधार पर इसी कार्बन डेटिंग से पता लगाई जा सकती है, लेकिन किसी वस्तु या पौधे या मृत जानवर या जीवाश्म अवशेषों के लिए उम्र को स्थापित करना काफी जटिल काम होता है। यही काम कार्बन डेटिंग के जरिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग सदियों से मौजूद जो जीवाश्म है, वस्तुएं हैं, उनके बारे में, उनके विकास के बारे में या उनके वजूद के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट इस व्यवस्था, ये जो विधि है कार्बन डेटिंग, इससे पता चलती है। ये पहले देश में कई बार अन्य तमाम तरीके के जो अवशेष हैं उनकी उम्र, उनके काल के बारे में पता लगाने के लिए ऐसा किया गया। अयोध्या मामले में भी कार्बन डेटिंग को ठोस आधार बनाकर एक तरीके से फैसला दिया जा चुका है। और आज इसके बाद एक तरीके से इस फैसले आने के बाद हिंदू पक्ष को थोड़ी सी निराशा हुई है और जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उसने थोड़ी राहत की सांस ली है। हिंदू पक्ष के वकील ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे और इसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो उसको करेंगे। वकील से हमारी सहयोगी ने बातचीत की, वो जरा सुनिए। भी परिसर को लेकर आपको बता दें कि आज फैसला आने वाला था कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कथाकथित शिवलिंग प्राप्त हुई थी ज्ञानवापी परिसर में कि उसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए और वहीं कार्बन डेटिंग की भी मांग की गई थी। आपको बता दें कि उसी को लेकर आज जिला जज एके विश्वेश की अदालत से फैसला आया है और वो फैसला हिंदू के पक्ष में नहीं आया, वही आया है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने पहले ही जो परिसर है वहां पे उन्होंने सील करने का आदेश दिया है, जिसे लेकर जो कार्बन डेटिंग की मांग की गई है और वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है शिवलिंग की, वो वहां पे नहीं हो सकती है। और ये जो याचिका दाखिल की गई है उसे खारिज करते हुए जिला जज एके विश्वेश ने बताया है कि यह आगे जो वैज्ञानिक जांच है वो नहीं हो पाई, कार्बन डेटिंग की जो मांग थी वो नहीं हो पाएगी। आपको बता दें इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद है, कचहरी परिसर के पास ही मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी सहमति है कि आज जिला जज ने जो आदेश दिया है वो आदेश की उनकी सहमति है या नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक प्रधान है। दीपक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो कार्बन डेटिंग को लेकर मांग की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा, तो वो चीज द्वारा और जिला जज द्वारा उसे खारिज कर दी गई है, तो आप सहमत है? नहीं, अब पूर्ण रूप से असहमत है हम लोग, क्योंकि वो वैज्ञानिक पद्धति है, अगर साइंटिफिक अप्रोच की वजह से अगर उसको जाना जा सके कितनी एज पुरानी है और पुराणों में भी जो उल्लेख है उनसे दिया जाए, तो हम अगर अपने पौराणिक, साहित्यिक और साइंटिफिक दोनों अप्रोचेस को अगर देखते हैं, कंपैरिजन करें और जो सही होता है उस पर करना चाहिए, कोर्ट को इस पर अमल करना चाहिए था। कार्बन डेटिंग कोई ऐसा पक्षपात वाला फैसला तो है नहीं, दैट इज साइंटिफिक अप्रोच, उस पर तो होना ही चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबसे पहली बात है कि जो है वो फैक्ट है वो है, और अगर इस बात पे कहा जा रहा है जैसा सर ने बताया अभी चीजों को लेके, वो बिल्कुल फैक्ट है और उसको मानना भी चाहिए और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है,
इसको लेके हमें सबको एक सहमति बनानी चाहिए और इस पे एग्री करना चाहिए। देखिए जो कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी आज तो अदालत ने खारिज कर दी, जिसका हम सम्मान तो करते, लेकिन एक पर्सनल तौर पे अगर मैं कहना चाहूंगी कि जांच तो होनी ही चाहिए थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे, ये मुद्दा आज का तो है नहीं, ये मुद्दा काफी समय से चल रहा है और हालात ये हो गए कि पहले अगर सिर्फ बनारस की बात कर ले तो बनारस में पहले ये हालात नहीं रहा करते थे। जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, कुछ एरिया में मत जाओ, कुछ हो जाएगा। अगर जांच हो जाएगी तो सारे पक्ष सामने आ जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ये जो कार्बन डेटिंग की मांग है वो पूरी होनी चाहिए और आदेश देना चाहिए कि वहाँ वैज्ञानिक जांच हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, के न्यूज वाराणसी। कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उस पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लोग अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। लेकिन हम किसी टिप्पणी से, के न्यूज किसी भी व्यक्ति की किसी टिप्पणी से सहमत नहीं है। जो किसी निर्णय को लेकर, अदालत के किसी निर्णय को लेकर कोई टिप्पणी करता है तो उससे के न्यूज की कोई सहमति नहीं हो सकती। लेकिन जनभावनाएं हैं, जनभावनाएं लोग व्यक्त करते हैं कि भाई कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। अब कोर्ट ने अपने तरीके से जो पहलू रखे देखे वो एक अलग बात है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत का जो मसला था वो एक तरीके से अदालत ने पहले ही कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार से संबंधित याचिका की सुनवाई योग्य है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की उस याचिका को चुनौती देने की जो याचिका थी इस मामले में कि वो पूजा योग्य याचिका है कि नहीं, उसको भी नामंजूर कर दिया था और तब मुस्लिम पक्ष के लोगों में रोष था, लेकिन वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद जरूर उन्हें राहत मिली होगी। मंथन के इस दूसरे भाग में हमारे दो और नए मेहमान जुड़े हैं। शकील सिद्दीकी साहब हैं, अल इमाम संगठन के प्रवक्ता हैं और मुस्लिम पक्ष की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दिलीप अग्नोत्री साहब विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, संघ विचारक हैं, हिंदू पक्ष की रहनुमाई कर रहे हैं। और पूर्व से दो मेहमान हमारे साथ प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी पहले से जुड़े हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर भी पहले से जुड़े हुए हैं। शकील साहब, एक निर्णय आया उसमें कहा गया कि भाई कार्बन डेटिंग नहीं कराई सकती, इससे कहीं ना कहीं चीजें ठीक नहीं रहेंगी और एक पक्ष की भावनाएं आहत हो सकती हैं। क्या प्राथमिक क्या टिप्पणी है आपकी इस पर? सबसे पहले तो मैं किस देश की अदालत का सम्मान करता हूँ, अदलिया का सम्मान करता हूँ, और आज का ये जो फैसला हुआ और हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई कार्बन डेटिंग के लिए उसको खारिज किया है और यही नहीं किया, कहा है कि उन्होंने कहा आगे किसी भी प्रकार से इस पर कोई भी कार्रवाई के लिए भी उसमें कहा गया है। इस बात को लेकर इस पूरे देश में अल्पसंख्यक यानी खासतौर पर मुसलमानों में काफी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसे हम बड़ी जीत मानेंगे और अदालत का जो फैसला आया है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं इस देश की अदालत का, और पहले भी हमने इसको लेकर अदालतों पर भरोसा जताया है और जिस तरह का ये फैसला आया है। लेकिन एक बात मैं दुर्गेंद्र जी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, लोगों को बांटकर इस देश की सांप्रदायिक सौहार्द और एकता अखंडता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा 1940 में सदाशिव राव गोलवरकर की एक किताब जो उन्होंने लिखी थी फी एंड नेशनहुड आइडेंटिफाइड, उसमें उन्होंने लिखा था कि सत्ता हाथ आते ही सरकारों की धन संपत्ति, राज्य सरकारों की जमीन और जंगल किसी अपने धनी लोगों को, धनी मित्रों के हाथ सौंप दे और 95% इस देश के लोगों को भिखारी बना दे तो 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। ये शब्द मुझे याद है इस किताब में जो उन्होंने खुद उल्लेख किया था। तो जिस तरह से आरएसएस का एजेंडा अब देश में 2014 से चिराग के जिम से बाहर ये सारे मुद्दे निकले हैं, पहले भी रहे हैं लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि एक पक्ष की भावनाओं को आहत करके आप पीठ ठोकले, जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर। ठीक बात है, ठीक बात जी। शकील साहब, आपकी बात लगभग पूरी हो गई। दिलीप जी, शकील साहब ने स्वागत किया है, वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत कोर्ट पर हमें भरोसा था, कोर्ट ने वो बात कर दी, जो कुल मिलाकर ये स्थिति वो जो न्याय करना चाहिए था वो अदालत ने अपना काम किया, और वो इस बात को कह रहे हैं। भागवत जी भी ने भी पिछले दिनों ये कहा था, मोहन भागवत जी ने, कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। दिलीप जी, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूँ,
और ये केवल अंतिम निर्णय नहीं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें किसी को भी, किसी पक्ष को इस पे इस तरह की प्रतिक्रिया देना कि कौन जीता है कौन हारा है, इससे भी बचना चाहिए। अगर न्यायालय जो काम कर रहा है उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के प्रति हमको सम्मान व्यक्त करना चाहिए। जैसे हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है तो उसका भी हमको इंतजार करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये प्रक्रिया न्यायालय के अंतर्गत शुरू हुई, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी क्षेत्र का सर्वे किया जाए, उसी के कारण ये सर्वे हुआ और जो एक अनछुए तथ्य थे वो उजागर हुए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कहा है उसका भी सम्मान, और ये संविधान के अनुसार ऊपर के न्यायालय में जाने का अधिकार भी हिंदू पक्ष का है। दूसरी बात, जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि राम जन्मभूमि का विषय उठाया, तो मैं भी मानता हूं कि कोई भी ये समस्याएं इस तरह की हैं उस पे न्यायालय पे विश्वास करके हमको चलना चाहिए। ये एक सभ्य नागरिक का और सभ्य समाज का कर्तव्य भी है कि सौहार्द के साथ रहें, हम हिंदू मुसलमान सब लोग सौहार्द से रहें। और ये कहना कि ये समस्याएं 2014 से उठी, ये सरासर गलत है। अयोध्या का जो मसला 500 साल से चल रहा था तो उसका समाधान भी शांतिपूर्ण सौहार्द से हुआ, ये भारत की खासियत है और ये इसको हम सबको बनाए रखना है। तो जो इस तरह की समस्याएं हैं उनका न्यायालय पूर्ण निर्णय हो और कोई इस पे विजय और पराजय को न समझे। जो भी सुप्रीम अदालत का निर्णय हो उसको बहुत ही ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। शकील साहब उंगली उठा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बोलिए शकील जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो साथी मित्र ने एक बात कही कि 2014 से ये मुद्दा उठा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर काशी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं, लेकिन जिस तरह का एक एजेंडा सेट किया गया इस देश में, एक वातावरण जो बनाया गया, कोई एजेंडा सेट नहीं है, बिल्कुल एजेंडा सेट किया गया, बिल्कुल गलत बात। अरे शकील साहब, वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं भाई, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं भाई। शकील साहब आप भी बेवजह आरोप लगाते रहते हैं, करें सबका साथ है, आप लोग आइए, बाहें फैलाए हुए हैं। वो देखिए, चाहे इंद्रेश जी हो चाहे भागवत जी हो, सब जा तो रहे हैं मंदिर मदरसों में भी जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे हैं, आप किस तरह क्या करें, कैसे गले लगाएं। इस तरह की बातें, सबके विकास की बात हो रही है, वर्कर साहब की उस किताब का भी मैंने हवाला किया, को जितना लाभ 8 वर्षों में मिला है उतना पहले कभी। ठीक बात है, ठीक बात है। चाहे आवास हो, हमारी सहयोगी सोनाली पटवा है, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। सोनाली पटवा, आज आपके दोनों पक्षों से बात हुई होगी कोर्ट के इस निर्णय के बाद, क्या 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 उनकी जो शारीरिक भाषा थी दोनों पक्षों की, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, शारीरिक भाषा, हम लोग हिंदी वाले लोग शारीरिक भाषा कहते हैं, वो क्या थी, वो किस तरीके से, जैसे हिंदू पक्ष ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्हें, मुझे जहां तक मेरी जानकारी, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। दीक्षित जी बताएंगे क्या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या क्या रिएक्शन था दोनों पक्षों का, सोनाली जी। जी, आपको बता दें कि आज जब सुप्रीम, जब आज फैसला जिला जज ए के विश्वेश की अदालत से आने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की बात की जाए, तो वो जब ज्ञानवापी परिसर के बाहर आए तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें किसी भी प्रकार के ऐसे धक्का सा ऐसा नहीं लगा है, सब ये है कि हम ये फैसले जो निर्णय आज आया है उसे लेके सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछली बात तो आपको बता दे तो मई के समय में जब शिवलिंग की जांच हुई थी ज्ञानवापी परिसर में, जब सर्वे के दौरान जब तथाकथित शिवलिंग प्राप्त हुआ था, तो वहां पे हिंदू परोकार है उनका साफ तौर पे कहना था कि वह शिवलिंग जो है वो जो तथाकथित शिवलिंग वहां प्राप्त हुई है, जिसे लेकर वो 20 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था कि अधिवक्ताओं को कि जो भी फैसला आएगा जो वो जिला जज लेंगे, जो भी निर्णय होगा, जो आदेश होगा वो जिला जज। और एक डेडलाइन तय की थी सोनाली, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय की थी कि तब तक ये मसले को हल करके बता दो, और उसी डेडलाइन के अंदर एके विश्वेश ने मसला तय कर दिया जी। हाँ, ये तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो एके विश्वेश की अदालत ने जब ये फैसला मसला योग है, ये पूजा अर्चना करने का जो नियमित पूजा अर्चना करने की मांग की गई थी बाकी याचिकाकर्ताओं द्वारा, उन पे ये मसला ये हो गया कि ये योग्य है, सुनने योग्य है, तो उस पे वो तो चल ही रहा था। फिर साथ ही में वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग जब हिंदू अधिवक्ताओं द्वारा की गई, तो उस पे आज जो फैसला आया वो उनके पक्ष में नहीं आया, उसे खारिज कर दिया गया। साफ तौर पे एके विश्वेश का यही कहना था, जो जिला जज है वाराणसी का, उनका यही कहना था कि अगर उस
जो तथाकथित स्वेलिंग है उसकी जांच की जाए तो उसको क्षति पहुंचने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, वहां वो सील किया गया है, वो जो जितना इलाका है ज्ञानवापी परिसर, तो वो उसे सील कर दिया गया है। तो इसकी वजह से और ये भी सुना ली उन्होंने, लिखा है कि इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी, एक एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत होंगी। ये भी उन्होंने कहा कि भाई जब उसे खुर्चा जाएगा तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होंगी, ये उन्होंने अपने आदेश में लिखा है जैसे मेरी जानकारी है। सोनाली, मुस्लिम पक्ष के लोगों से आपकी कोई बात हुई? जी, मुस्लिम अधिवक्ताओं से हमने बात की है, उन्होंने साफ तौर पे ये भी बोला है, कुछ ऐसे मुस्लिम अधिवक्ता हैं जो उनके सपोर्ट में भी है, उनका यही कहना था कि कार्बन डेटिंग जो है वो हो जानी चाहिए, तो वैज्ञानिक जांच है वो हो जानी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि वहां कोई शिवलिंग प्राप्त नहीं हुआ है, वो वहां पे वो शुरू से ही वहां वो फाउंटेन देखते आए हैं, वो वजू खाना था जहां पे वो फाउंटेन प्राप्त हुआ है, उसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने जाते हैं और कभी भी शिवलिंग जैसी चीज तख्त निकल के वहां से नहीं आए। कुछ जो मुस्लिम अधिवक्ता मुस्लिम लोग हैं उनको यही कहना था कि वो जाके वहां पे वो कार्बन डेटिंग की मांग आज स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। पर वही बात बाकी अधिवक्ताओं की जाए, मुस्लिम अधिवक्ता, उनमें खुशी देखने को मिली है क्योंकि बाकी कई दिनों से जो भी फैसला था वो हिंदू पक्ष में आ रहा था, आज जो फैसला है वो मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं आया हुआ है, वहां है उसके जो कार्बन डेटिंग का वो जिससे लेकर मुस्लिम पक्ष में खुशी जाहिर करना साफ तौर पर देखा गया है। जी ठीक, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, पूरा मसला ये है, सोनाली ने एक बहुत नई बात बताई कि जो मुस्लिम जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, और ये ठीक अच्छा किया, दुनिया भर का आगे का जो झंझट था वो ख़त्म किया कोर्ट ने और सब लोग अमन चैन से रहो। लेकिन कुछ लोग जो अन्य यूथ थे या अन्य लोग थे जिनसे सोनाली ने बात, वो कह रहे हो जानी चाहिए थी, तय हो जाना चाहिए था, तो आगे का बिल्कुल जो आगे के विवाद है वो खत्म हो। इस पूरे मसले को जो ताजा निर्णय है उसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर दीक्षित? गुंजन जी, दो तरह से मैं देखता हूँ। पहली बात तो ये, दिलीप जी को विशेष रूप से प्रणाम, बहुत सालों बाद दिखाई पड़े हैं आप साक्षात। पहली बात तो ये कि मैं इसको दोनों दो दृष्टियों से देखता हूँ। एक तो ये कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये एक इमोशनल मुद्दा हो सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं होती है, चट्टानों की कार्बन डेटिंग नहीं होती है, ये वैज्ञानिक रूप से भी अवास्तविक है, गलत है, ये नहीं होती है। ये उन्हीं चीजों होती है जिसमें कि जीवित जीवाश्म होते हैं, यानी जिसमें मेटल हो सकता है, जिसमें लकड़ी हो सकती है, उनकी कार्बन डेटिंग होती है, रॉक्स की कार्बन डेटिंग नहीं होती है। उसके लिए दूसरे मेथड्स होते हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जियोलॉजिस्ट इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं चट्टानों की उम्र पता लगाने के लिए, इसको रिलेटिव मेथड या रेडियोमेट्रिक मेथड कह सकते हैं, जहां पर हो सकता है। ये एक पक्ष ने ये बात कही भी थी कि शायद किसी अन्य प्रकार के माध्यमों से कार्बन डेटिंग की जगह पर किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये सारे टेस्ट क्या उतने ही वैज्ञानिक होंगे, क्या उतने ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को दे पाएंगे जिनकी आवश्यकता थी? मुझे लगता है कि ये कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए थी और ये बिल्कुल सही फैसला है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, जब पूजा स्थलों की बात होती है तो मुद्दा है आस्था का, यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यही हमारे संविधान का निर्णय है कि आस्था के सवालों पर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। तो वो उसको उस दृष्टि से देखा जाए तो एक पक्ष ने, इसमें भी तीन पक्ष थे, दो पक्ष नहीं थे, तीसरा पक्ष ये कह रहा था कि डेटिंग नहीं होनी चाहिए, जो हिंदू पक्ष ही था वो भी ये कह रहा था कि डेटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। जब हमें आस्था के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से, जो हमारी नॉलेज के हिसाब से यदि शिवलिंग मिला है तो हमें पूजा का अधिकार होना चाहिए। इसका भी मुकदमा चला है, आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये मुकदमा किया है कि उन्हें पूजा का अधिकार होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था, मुझे लगता है कि जज साहब ने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया है कि ये मुद्दा कार्बन डेटिंग के संबंध में ये मुद्दा यहाँ डिसीजन नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष अपने भी प्रसन्नता का व्यक्त कर सकते हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों को प्रसन्न होना चाहिए कि ये मुद्दा जिला स्तर पर नहीं निपटा। हमेशा की तरह जब निपटेगा तो सर्वोच्च अदालत में ही निपटेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसलिए जा सकते हैं डायरेक्ट, जो आपने कहा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन पर ये काम हो रहा है। ठीक बात है, याद आ गया, मुझे याद आ गया कि वो सर्वोच्च अदालत ने उनसे कहा था और वापस वो जा सकते हैं, वही अब बीच का मसला है नहीं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वही मसला सुप्रीम कोर्ट गया था, तो जाहिर सी बात है जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक करें आप, सुप्रीम कोर्ट रिमांड बैक कर सकता है हाई कोर्ट को, ये हमेशा की तरह पहले भी वो करते हैं कि नीचे की अदालत को रिमांड बैक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ ही जैसे यहाँ भी किया था कि जिला अदालत को निश्चित डेट दी कि तारीख तक आप ये अपना फैसला दे दीजिए, सो दैट कि रेस्ट ऑफ द मैटर कैन बी लुक्ड आफ्टर बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी, वो हो सकता है, दोनों ही स्थितियों में हो सकता है। अर्जेंसी के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ऑलरेडी पहुंच चुका है,
इसलिए वहां से भी डायरेक्शन आ सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं और अगर सैद्धांतिक रूप से कहूं और वैज्ञानिक रूप से भी कहूं तो कार्बन डेटिंग न हो सकती थी न होने का आदेश दिया है, ये बहुत अच्छा आदेश है। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, दिलीप जी। नहीं नहीं, मैं प्रोफेसर मनोज जी की बात ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विश्लेषण किया। मैं केवल इसमें इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम सबको न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए, कोई इसमें वैमनस्य की बात ना करे तो बहुत अच्छा होगा। ये दोनों संप्रदायों की, दोनों हिंदू मुस्लिम, मैं तो कलयुग के संबंध से अपील कर रहा हूँ कि वैमनस्य छोड़ दीजिए, क्योंकि एक अभी महिला से हमारी सहयोगी बात कर रही थी तो वो करी थी। अब जिस दिन सुनवाई होती है तो घर वाले कहते हैं बच्चों को मत निकलने दो, महिलाओं को मत निकलने दो, ये अजब माहौल है। काशी का ये माहौल किसने बना दिया भाई, बड़ा 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 चिंता का विषय, मैं तो चिंतित हो गया इसे सुनकर। जी जी बिल्कुल, सब लोग सबका सम्मान करें एक बात, और दूसरे बैमनस की बात ना करें। कोई अभी जो कोई 1940 की किताब उठा के एक अंश पढ़ के बैमनस की बात करेगा, वो समग्र में पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो मोहन भागवत जी कर रहे हैं कि अभी उन्होंने दिल्ली में मस्जिद में वो गए, इमामों से मिले, और किस तरह एक बहुत ही विद्वान इमाम ने उनकी बहुत प्रशंसा की है, उनके प्रयासों की तारीफ की है। जैसा आपने भी कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें सब जगह शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, तो ये समाज की एक भावना हो। जिनको मेरा बहुत पक्का मानना है, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, अब हमें एक बहुत अच्छे ढंग से रहना है, तनाव में रहना, वैमनस में रहना तो ये नहीं हो। जैसा प्रोफेसर मनोज जी ने कहा कि आस्था का सम्मान दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है, दोनों पक्ष ऐसा काम करें कि जिससे आस्था का सम्मान हो, और जहां समाज निर्णय नहीं कर पा रहा हो वह समाज चुप रहे और वो निर्णय न्यायालय करे। सकीर साहब बोलिए भाई, बड़ी पते की बात कही है दिलीप जी ने, पते की बात कही, और आप इमाम संगठन के प्रवक्ता भी हैं। दिलीप जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि इस देश में अमन और अमान बरकरार रखना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो किस्सा खत्म हुआ, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में है और जो मुसलमान है हिंदुस्तान में, वो और तमाम मजहब के लोग आपस में मिलकर रहना चाहिए। शिव जी की जो अपने सिद्धांत थे, जो उनके आदर्श थे, पूरे इस ब्रह्मांड की रक्षा करना, ये उनके सिद्धांत थे। क्या बात है, उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि शिवलिंग खंडित नहीं होता है, शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है, और अदालत का जो फैसला आया है, और हमारे हिंदू भाई जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं जाने की बात कर रहे हैं, उसका भी स्वागत है। अदालत सच का सच और झूठ का झूठ कर देती है। और हमारे भी बहुत मनोज जी बहुत ही काबिल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने जो बात कही कि कार्बन डेटिंग जो है स्टोन या रॉक्स या पत्थर की नहीं की जा सकती। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने संगठन की तरफ से कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक शोध या वैज्ञानिक जांच की करा ली जाए, लेकिन सच हमेशा सच रहेगा, वो कभी झूठ में नहीं बदल सकता, क्योंकि इस देश की अदलिया जो है हमेशा इंसाफ पसंद रही है, और इस देश में हमेशा इंसाफ मिला है लोगों को, न्याय मिला है, सरकारें जितना भी कोशिश कर ली। ठीक बात। सभी हैदर, आप राजनीतिक संपादक हैं हमारे चैनल के, आप इसमें ये इसको लेकर, ज्ञान वापी को लेकर खूब राजनीति हुई, और मीडिया वाले भी खूब राजनीति करते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं ज्ञान वापी ज्ञान वापी ज्ञान वापी, उनको कोई मसला दिखता ही नहीं है, मतलब बहुत कटु बात कर रहे हैं, उनको बाढ़ नहीं दिख रही, उनको पूरे देश में बाढ़ आई उसकी समस्या नहीं दिख रही, लोग कैसे मर रहे हैं, या कहीं रोजगार बेरोजगार भुखमरी समस्या महंगाई ये कुछ नहीं दिख रहा, वो सुबह से सेट कर बैठ जाएंगे कि भैया ज्ञान वापी, एक मिल गया दिन भर चलाओ ज्ञान वापी। प्रोफेसर साहब बहुत कटु बातें कहते हैं, लेकिन उनकी बातें मुझे लगता है लोगों को जरूर पसंद आती होंगी, मुझे तो बहुत आती हैं। सभी इसमें कोई राजनीति है क्या, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है क्या? सर देखिए, अमूमन इस पूरे मुद्दे पे जो मैं कहना चाहता था वो बात आ गई, वो बात आपने कही कि जो मीडिया ट्रायल इसका हो रहा है किसी भी मुद्दे का वो बंद होना चाहिए। ये कोई T20 टूर्नामेंट नहीं है कि साहब वो फैसला उनके पक्ष में चला गया, ये फैसला हमारे पक्ष में आ गया। कोई हिंदू मुसलमान किसी पक्ष में कोई फैसला नहीं जाता है, वहां पर पहला पक्ष और दूसरा पक्ष होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जिसकी बात सही ढंग से जज साहब के सामने प्रस्तुत कर दी गई, जिसने उसको सही तरीके से टेकअप कर लिया, उसकी बात आगे बढ़ जाती है, जो अपनी बात ठीक से नहीं कह पाया उसकी बात पीछे रह जाती है। तो निश्चित तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाए या और कोई डबल बेंच ट्रिपल बेंच जो भी इसका, वो सारी चीजें हों। जो बात थी मेन कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया पे बातचीत नहीं होना चाहिए, T20 मैच नहीं है ये कि साहब आज हम जीते हैं कल वो जीत गए, कल वो जीत गए हम आज जीत गए, और
जो भी न्यायपालिका का फैसला है वो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। प्रोफेसर दीक्षित साहब, फाइनल कमेंट मंथन का आपसे है, मंथन को आप समअप करेंगे। सभी ने बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु उठा दिया, हम पत्रकार फैसला दे देते हैं कि शिवलिंग है कि नहीं है, किसी भी मसले पर अगर फांसी पे चढ़ाना होगा तो चढ़ा देंगे तुरंत कि भैया ये दोषी है, दोषी है, दोषी है। क्या ये वैमनस्यता फैलाने का ये बड़ा जरिया नहीं है क्या? फाइनल कमेंट आपका प्रोफेसर दीक्षित। बहुत सारे मुद्दों पर बेवजह बहस होती है, इसमें कोई शक्ति बात नहीं है, और मैं अपने छात्रों से और अपने मित्रों से और अपने सहयोगियों से ये रिपोर्ट हमेशा कहता हूँ कि जब आप पानी नहीं पी सकते हैं आरओ के अलावा, यानी जब पानी पीते हैं तो दो बार छान के पीते हैं, तो खबरों को भी छानना सीख जाइए। और जिस दिन हम खबरें छानना सीख जाएंगे, ये बेकार की खबरें चलना भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम बगैर छाने हुए खबरों को यथावत स्वीकार करने लगे हैं। इससे टीआरपी पर फैक्टर पड़ने लगा है, टीआरपी बिजनेस है, और टीआरपी के बिजनेस की वजह से मीडिया ऐसे इश्यूज के ऊपर दिन दिन भर चर्चा कर लेती है। आप देख रहे होंगे बीच में रूस और यूक्रेन के बीच कहां और किसके बीच में युद्ध हो रहा है, और हमारा चैनल दिन भर 24 घंटे उसी के ऊपर लगा हुआ है। आधा दर्जन लोग बिजनेस हमारे भारत से लेते हैं और खबरें दिखाते हैं रूस यूक्रेन और युगांडा की, देश की मुद्दों को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर दीक्षित एड्रेस ही नहीं कर रहे, मैं तो किसी दिन अलग से मंथन करूंगा इस विषय पर। बिल्कुल, तो ये मीडिया के अंदर जो खबरों का इनपुट है वो कम होने के बाद ट्रायल का इनपुट ज्यादा बढ़ गया है, ये डिस्टर्बिंग है। मीडिया खबरें दिखाए, मीडिया निष्पक्ष रूप से खबरों का विश्लेषण करके दे, और अपने श्रोताओं के ऊपर छोड़े इस बात को कि वो क्या सोचना चाहते हैं क्या नहीं सोचना चाहते हैं, रादर देन एक कलर्ड ओपिनियन लेकर दिन भर एक ट्रायल लगाना। और अल्टीमेटली रिजल्ट जब निकलता है तो मुझे बहुत सारी खबरें याद है, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक खबर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक चैनल ने कहा था कि रेसिज्म वीआईटी रेसिज्म खत्म होनी चाहिए, और हम जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चलाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद वो खत्म हो गई। रेसिज्म तो आज तक चल रहा है, तो खबरें खत्म हो गई। तो ये जो कलर्डनेस है या कलर ब्लाइंडनेस जिसको मैं कह सकता हूँ, ये यहाँ पर ना रहे तो ठीक है, लेकिन देखने वालों को जरूर आरओ फैक्टर लगाना चाहिए कि हाँ हम ये खबर को बगैर छाने बीने हम इसके ऊपर विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक हम इसे खुद प्रत्यक्षता नहीं जान जाते। ये कठिन काम है लेकिन करना ही होगा अगर हमें अपने समाज में वैमनस्यता को रोकना है, सांप्रदायिकता को रोकना है, भाईचारे को बनाए रखना है। तो वी हैव टू ट्रस्ट, दिलीप जी ने कहा कि हम तो आपको अदालत पर भरोसा करना ही होगा, और अगर अदालत पर भरोसा करना हो इतनी बहस क्यों करेंगे हम लोग। अदालत ने जो फैसला दिया शिरोधार्य है, ये सबको मान लेना चाहिए, अदालतें इसी लिए बनी है। अगर उन्होंने निर्णय दे दिया है तो आपके पास अपील का आधार है, आप अपील करेंगे, दूसरा पक्ष भी अपील कर सकता है, तीनों कोर्ट जब तीनों पंचायत अपना निर्णय दे देंगे तो वो जो निर्णय दे देंगे वो मान लिया जाएगा। जब हमने जब अयोध्या का मसला था तो मुझे याद है कि हम लोग भी कई कई उत्तेजित हो जाते थे कि अब हो जाए, लेकिन एक मत बना रहा कि जो अदालत कहेगी उसी को मानेंगे, और अल्टीमेटली जो अदालत ने कहा आप ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सभी पक्षों ने उसे मान लिया। ठीक बात है, कितना लोगों ने आशंकाएं बनाई हुई थी लेकिन अदालत के ऊपर जब भरोसा आपने टिकाया तो शांति व्यवस्था अपने आप बन गई। ठीक बात है, और यही करना चाहिए। अदालत के बाहर अदालत लगाते हैं, जब अदालत के बाहर अदालत लगाते हैं तो उसी का जिक्र सभी ने भी किया, उसी को बहुत विस्तार से आपने समझाया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित, दिलीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सकीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सोनाली और सभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मसला यही है कि भाई मीडिया ट्रायल मत करो, कोर्ट को अपना काम करने दो। लगभग जो हमारे पैनलिस्ट हैं विद्वान हैं उन्होंने इस बात को कहा कि अदालत को अदालत की जगह लगना चाहिए, अदालत के बाहर अदालत लगाना ठीक नहीं है, इससे माहौल बिगड़ेगा, आस्था गड़बड़ाती है लोकतंत्र में। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। अब तक हमने कई इस तरह के दृश्य और वीडियो आपको दिखाए हैं भारत जोड़ो यात्रा के, एक कभी बारिश में भीगते हुए भाषण देने का वीडियो आपको वायरल करते नजर आएगा, कभी बच्चों के साथ पुशअप लगाते राहुल गांधी नजर आएंगे। अब राहुल गांधी का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, और ये वीडियो है वो तिरंगा झंडा, देश का झंडा, राष्ट्र का झंडा लेकर एक पानी की टंकी में लोगों के साथ चढ़ते हैं और ऊपर से झंडा फहराते हैं। ये दृश्य बड़ा अद्भुत है, ये मन को भाता है ये दृश्य, क्योंकि हम सब राष्ट्रवादी हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं,
और राहुल गांधी भी राष्ट्रवादी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। All of us look up to this flag and salute this flag. This flag represents the religion of every single person who lives in this country. This flag represents every single state of our country. It is very important that we bring the people of India together, make sure that they are united so that India is strong.